नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक महिला ने प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर पर निवेश किए, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। ठीक है, तो जब उसने निवेश शुरू किया यानी पहले वर्ष की जब बात है, तो पहले वर्ष का जो मूलधन होगा वह कितना होगा, 2000 रुपए। ठीक है, यहां पर रेट उसने कहा कि 5% है। अब जब पहले वर्ष का मूलधन है तो टाइम हम यहां पर क्या लेंगे, टाइम भी यहां पर 1 ईयर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका पहले वर्ष का अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, पहले वर्ष का अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P(1+R)/100। पी है यहां पर 2000 रुपए, 1+ रेट है 5% भागे 100^1, यहां पर 2000 हो जाएगा, 100 × 105 भागे 100 यहां पर बचेगा 20 और यहां बचेगा 105, गुणा कर देंगे 105 दूनी करेंगे तो होता है 210, यानी 2100 रुपए हुआ। यह हुआ पहले वर्ष का अमाउंट, यानी पहले वर्ष के अंत में उसका अमाउंट कितना हुआ, 2100 रुपए हुआ। ठीक है, लेकिन जब बात दूसरे साल की होती है अमाउंट कितना हो जाएगा, 2100 रुपए तो है, इकाई का है पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, अब ये पहले वर्ष के अंत में उसका कितना हो गया, 2100 रुपए हो गया टोटल। अब जब दूसरे वर्ष का मूलधन, तो क्या होता है, 2100 रुपए तो उसका निवेश हो गया और हर साल वह 2000 रुपए निवेश अलग से करती है, तो 2100 + 2000 यह होगा 4100 रुपए, ये होगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। अब इस पर उसको मिलेगा ब्याज, तो हम अमाउंट पे से निकालेंगे, अमाउंट बराबर P(1+R)/100, तो अमाउंट बराबर अमाउंट पी है 4100/1+R की वैल्यू कितनी है, 5/100, तो 4100 × 100 = 105 यहाँ 41 × 105 कर देंगे, 41 का गुणा 5 में करेंगे तो होगा 205, 205 की 0 यहाँ 0 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 कैरी हुई 2, 41 का 41 2 43, तो 4305 रुपए उसका कुल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो उसका निवेश हो जाएगा और हो जाएगा 4305 रुपए। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या खास बात थी कि हर वर्ष वह 2000 रुपए जोड़ती जाती थी, यानी पहले साल हमने कैलकुलेट किया जो अमाउंट आया उसमें 2000 रुपए जोड़ देंगे तो वह दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा दूसरे साल के अंत में जो उसका निवेश होगा वह 4305 रुपए बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।